अपनी जीविका चलाने के लिए मेरी हालत खराब हो गई, लो और किट बेच के मैं अपने घर की परवरिश करता हूँ। '74 को हमने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया, इसलिए कि एक अवार्ड निकली थी उसमें नेशनल प्लेयर के लिए इन्होंने मांगा था। 1975 से 1985 तक लगातार फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंटर फर्टिलाइजर हॉकी टूर्नामेंट चैंपियन बनाया। भारत सरकार ने 1986 में सारा खेल बंद कर दिया फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो 10 मई 1987 से हमने हॉकी कोचिंग शुरू किया। उसका कारण यह था कि हमारे गुरु हॉकी जादूगर दादा ध्यानचंद सन 2002 31 दिसंबर को भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ताला बंद कर दिया। उसके बाद आर्थिक तंगिश में इतना परेशान हो गए कि किसी के पास कोई रोजी नहीं, मेरे पास कोई रोजी नहीं। 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी भारत को दिए, जिसमें निधि कुल्लर भारत की कप्तान शामिल है। एशिया का सिल्वर पदक लाई, वर्ल्ड कप खेली, एशिया कप खेली, लेकिन फर्टिलाइजर बंद होने के बाद मेरे पास कोई सहायता किसी चीज़ की नहीं मिली। 973 रुपया मुझे सरकारी पेंशन मिलती है, उसमें मेरा कैसे गुजारा होगा। आज मैं सड़क पर चलता हूँ तो मुझे लोग ताना देते हैं कि अपने बेटे को पढ़ाया होता, अपनी बेटी को पढ़ाया होता, अपने बेटे को दिल से सिखाया होता तो वो इंटरनेशनल होता, तुम्हें कमा के पैसा देता। बहुत मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं कि दिन भर हम लोग को जब रहता है ग्राउंड पर मंगवाते हैं, वो हमेशा प्रैक्टिस पे ग्राउंड पे रहते हैं। घर कम वक्त देते हैं लेकिन ग्राउंड पे ज़्यादा देते हैं। 29 साल से मेरे पिताजी आज लगातार हॉकी खिला रहे हैं, लगातार ग्राउंड में जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे फादर को देश का ऐसा सम्मान मिले जिससे उनको खुद की संतुष्टि हो। हम परेशान हाल हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम देश को एक से एक खिलाड़ी देते रहेंगे। राज्य सवाल हमको एक बात का ज़रूर कलक है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमें कोई सम्मान नहीं दिया।